बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मेरी फैमिली जहाँ रहे खुश रहे, हंसती मुस्कुराती रहे। इसी के साथ ही आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और आज के व्लॉग शुरू करने से पहले मैं अपनी तमाम फैमिली से एक छोटी सी गुजारिश करने चाहती हूँ कि मैंने वैसे आज तक कभी किसी की कोई प्रमोशन नहीं की है, लेकिन मेरी एक आंटी हैं जिनका चैनल है परदेश लाइफस्टाइल के नाम से, तो आप लोगों ने उनके चैनल का ज़रूर विज़िट करना है। और क्योंकि उन्होंने ये जो चैनल बनाया है, वैसे उन्होंने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, उन्होंने ये चैनल जस्ट गरीबों की हेल्प के लिए बनाया है, तो वो बहुत ही अच्छी हैं। पहले भी वो काफ़ी जो है गरीबों की हेल्प करती हैं, तो अल्लाह ताला उनके रिस्क में मज़ीद बरकत डाले। तो मेरी आप लोगों से ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने उनके चैनल का ज़रूर विज़िट करना है और वीडियो को मुकम्मल देखना है और उनके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो आज फाइनली हम लोग जो है जा रहे, तो उनका जो चैनल है उनका उसका लिंक जो है वो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग उनके चैनल का ज़रूर विज़िट करना है। आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया होगा, जैसे आपने मेरी सपोर्ट की है आपने उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी है ताकि वो जो है उनका चैनल ग्रो कर सके। तो अभी आज फाइनली मैं जा रही हूँ ऑपरेशन के लिए, तो आप लोगों ने मेरे लिए भी खसूसी दुआ करनी है। तो मैंने जो सारा सामान है वो पैक कर लिया है, यहाँ पे रख लिया है जो है शॉपर में डाल के, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती इसलिए ये बहुत बड़ा बैग भी लेकर जा रही हूँ, क्योंकि इसमें तकिया है और साथ में जो खेस वगैरह वो है, क्योंकि इन चीज़ों की वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत कम ही फैसिलिटीज़ होती हैं, तकिया तक अपना यूज़ करना पड़ता है। तो ये मैंने सारा सामान जो है वो सुबह सुबह पैक किया है और अभी तकरीबन 8 बजे का टाइम है और 9 बजे के जो है टाइम ऑपरेशन का जो है वो डॉक्टर ने दिया है, तो अभी चलते हैं। आप लोगों ने मेरे लिए खसूसी दुआ करनी है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब अच्छा अच्छा करेगा। तो अभी चलते हैं, गाड़ी जो है वो बाहर आ चुकी है और फजर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा तंग करिए कि मुझे साथ लेकर जाएँ, तो देखते हैं फजर घर रहती है या नहीं। तो अभी जो है हम तकरीबन 1-2 दिन के बाद घर वापस आ गए हैं हॉस्पिटल से, और जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और वहाँ पर तो हम आगे वीडियो नहीं बना सके, क्योंकि आपको पता है कि हॉस्पिटल में वैसे भी इतनी ज़्यादा ज़्यादा गर्मी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन जो है वो भी सक्सेसफुल हुआ, कामयाब हुआ, ठीक हो गए, और अभी आज जो है घर पे हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने जो प्यारे व्यूवर्स हैं उनसे भी शेयर करूं कि हमारे घर में एक जो नया मेहमान आया है, तो वो लड़की है या लड़का है वो भी आपसे शेयर कर सकूं। और फजर और फाइका भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। फाइका बताओ बताओ हमारे घर में कौन आया है? जो फाइका है उसने पहले बताया, जो फाइका है वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश है और जो फजर है वो इतनी ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील कर रही है। तो अभी जो हाँ जी नहीं नहीं आप खा लो, मैं नहीं खाना, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, मैं इससे हवा कर रही हूँ क्योंकि लाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा गाँव में जा रही है। बताया नहीं था लेकिन फाइका ने बता दिया कि हमारे घर में काका है। तो फाइका काका किसने दिया है? अल्लाह ने दिया है। अच्छा प्यारा लगता है फजर को, फाइका को काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है क्योंकि अच्छा। तो अभी फाइनली आपको भी दिखा देते हैं, क्योंकि वो जो है ना उसे थोड़ी सी भूख लगी हुई है इतनी जो है ये काफ़ी माशाल्लाह से तेज़ है, थोड़ा सा जो है इसका अभी जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके ऐसे जो सर हैं वो थोड़े थोड़े लंबे से होते हैं, इसका भी थोड़ा सा सर लंबा है, और अभी इसके जो बाल हैं वो हमने नहीं उतारे हैं, इंशाल्लाह अभी जो है कल उतारेंगे इसके बाल। और परा है काका, अल्लाह धुलू लिया है भाई का करी बहुत प्यारे और अल्लाह खुलो लिया है। तो अभी इसका नाम जो है वो सिलेक्ट नहीं किया, शायद इसे भूख लगी है। तो आप लोगों ने हाँ जी आपको पारे लगते हैं? पारे तो कौन भाई की पारी कौन? ओहो बहुत ज्यादा प्यारी हो रही हैं भाई भाई की, भाई ने भी बड़े होकर फिर अपनी बहनों का ख्याल रखना है ना। ए, 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 ए,
तो आप लोगों ने नाम जो है सिलेक्ट करना है सब ने इस्लामी नाम होना चाहिए। हाँ जी, ये रोता है, इसे भूख लगी है ना। हाँ जी, ये इनके लिए नया तोहफा आ गया, ये सारा दिन इसके पीछे। हाँ जी, काका है। हाँ जी, काका है। तो नाम भी सिलेक्ट करके आप लोगों ने बताना है, तो इंशाल्लाह जो भी अच्छा लगेगा नाम तो वही रखेंगे। तो अभी जो फजर है उसने कहा है कि मामा मैं जो है भाई को पंखा करती हूँ, वो हवा कर रही है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि ये उसको उड़ा देगी। तो अभी ये जो है सो गया है, तो अभी फाइनली ये नज़र आ रहा है। ये आप लोगों ने बताना है कि ये किस पे गया है, मुझ पे गया है, ये फजर पे या फाइका पे। लो हाँ जी, हाँ जी, हमने ये फजर फाइका हम यही कहती रहती है कि हमने अल्लाह से लिया है। अच्छा, बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। ये क्या है? ये इसकी फिंगर है, ये इसकी फिंगर है। फजर को भी बहुत प्यारा लगता है। फजर जो है वो काफी ज्यादा जलसी करती है, वो ऊपर ऊपर से क्या है। तो अभी हमने नाम नहीं रखा, अल्हम्दुलिल्लाह फजर और काका हम लोग काका हो गए, ये भी दोनों बहन भाई हो गए, और फाइका और उज़ैफा भी। अभी सब लोग हम तो मेरे जो काफ़ी व्यूअर्स हैं वो पूछते रहते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं। तो मेरी पहले एक ही बेटी थी जिसका नाम फजर है। हाँ जी, हाँ जी, वो फजर, और अभी उसका भाई पैदा हुआ है, ये दो बहन भाई हो गए, और फाइका और जो उज़ैफा हैं वो फजर के कज़न है, बड़े ताए के बच्चे हैं दोनों। और अभी ये फजर का जो भाई है, और साथ में फजर, अभी ये दोनों बहन भाई हो गए हैं। तो हमारी फैमिली जो है वो भी कम्प्लीट हो गई है। काफ़ी ज़्यादा खुश हैं हम लोग कि अल्लाह ताला ने हमें जो है इतनी बड़ी नेमत दी है। तो अल्लाह ताला सबको जो है ऐसी नेमतों से नवाजे, जो बे औलाद हैं उनको औलाद दे, और जिनको बेटे की ख्वाहिश है उनको बेटा दे। वैसे तो बेटियां भी अल्लाह की रहमत होती हैं, और जो बेटे होते हैं वो अपने बाप का बाजू बनते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और हमारा नया मेहमान जिससे मैंने अपनी फैमिली को मैंने कहा अपनी फैमिली से भी इसको जो है इसका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। अभी आंखें खोल रहा है। तो आज की वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करते हैं, लेकिन जो है वीडियो का इख्तिताम करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। पहले भी मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा है और एंड में भी यही कहना चाहूँगी कि आपने मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगी, परदेश लाइफस्टाइल के नाम से चैनल एक एंटी का, तो आपने उनके चैनल का जो है वो ज़रूर विज़िट करना है। इंशाल्लाह आपको उनका कंटेंट बहुत अच्छा लगेगा, और वो जो है काफ़ी ज़्यादा खुद भी अच्छी हैं, क्योंकि वो काफ़ी जो है गरीब लोग हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। और उनके जो चैनल बनाने का मकसद है वो भी सिर्फ यही है कि मैं जो इस चैनल से मेरा जो भी उनको रिवॉर्ड मिले वो गरीबों और मुस्तक अफराद तक पहुँचाएँ। तो आप लोगों ने उनके चैनल का ज़रूर विज़िट करना है। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।